तो आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल का यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त बिजेंद्र कुमार। और अब मैं आप लोगों को सिर्फ दो मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें ये बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ दो मिनट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, बट आप लोगों को उसके लिए थोड़ी सी जो चीज है ना, वैसा एक प्रायर नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। वो नॉलेज क्या है कि एस में दो इलेक्ट्रॉन होता है, पी में सिक्स होता है, डी में टेन होता है, और एफ में कितना होता है, फोर्टीन। तो इतना अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सिखाना मेरा काम है, ठीक है। तो नहीं भी पता है तो लिख लो, एस में कितना दो, डी पी में कितना छह, डी में दस, एफ में फोर्टीन। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि पहले लिखना है 1s, 2s, 2p, 3 थोड़ा पास, 3s, 3p, 3d, ठीक है, 4s, 4p, 4d, 4f। एक एक आगे बढ़ाना है बस, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। फिर उसके बाद 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक है। अब आप मेरे से पूछ लो कि यहां 1s तक ही क्यों रुके, 2s तक ही क्यों रुके, 2p तक ही क्यों रुके, यहां 3d तक क्यों रुके, 4f तक आगे क्यों नहीं बढ़े। तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। एक ऑर्बिट में, एक सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से चल रहा है सारा फंडा। वन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, वन। एस में कितना ऑर्बिटल होता है, एक, क्लियर। टू है कितना होगा, चार। तो तीन में कितना होता है, पी में कितना होता है, पी में कितना ऑर्बिटल होता है, तीन डब्बा होता है ना, पी में छह इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो पी में कितना होगा, तीन। तो तीन एक चार, चार हो गया ना, तीन में कितना होगा, नौ, एन स्क्वायर से नौ, ठीक है। तो नाइन हमें को पूरा करना है, तो पी में कितना ऑर्बिटल, तीन, और डी में कितना, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, दस, तो कितना ऑर्बिटल, चार, पांच, तो पांच तीन आठ, एक नौ, क्लियर है ना, कनेक्टेड है पूरा। चार में कितना होगा, सोलह, तो एक और तीन, सॉरी एक और, हाँ एक और तीन चार, और चार और पांच, डी में कितना होगा, पांच, चार पांच नौ, और एफ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14, यानी सात, सात हुआ ना, तो नौ सात सोलह हो गया ना, 16 हो गया ना। तो पूरा एकदम लॉजिकल होता है, हर चीज का लॉजिक होता है, बट जितना जरूरत होता है उतना ही आपको लॉजिक मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी की जरूरत ही आपको समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है कि ऐसे एरो बना लेना है, ठीक है, ऐसे एरो बना लेना है, ठीक है, ऐसे एरो बना लेना है। यहां पर लिख लो आगे, 6x लिख लो, 6x, 6p, 6d और 6f, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऐसे ज्वाइन करते जाना है इसको, इसको ज्वाइन करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइन करना है। अब ये इसका रास्ता है, हम ऐसे चलेंगे, ये हमारे चलने का रास्ता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, फिर 4p के बाद 5s, फिर कहां जाएंगे हम, 4d पे, फिर कहां आएंगे, 5p, 6s। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस में आपको चलना है 1s, 2s, 2p, 3s और उसके बाद 3p, 4s। तो इसको, इस सीक्वेंस को यहां लिख लेते हैं, क्या सीक्वेंस है, 1s, 2s, 2p, 3s, ठीक है, 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद, 3d के बाद क्या है, 4p, 4p के बाद क्या है, 5s, 5s के बाद क्या है, 4d, और 4d के बाद क्या है, 5p, 5p के बाद क्या है, 6s, 6s के बाद क्या है, 4f, ठीक है, उसके बाद क्या है, 5d, 5d के बाद क्या है, 6p और 7s,
ठीक है। तो ये है मेनली, आपको बस यहां तक रख लो आप, इसके बाद की जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, ये वही होगा जो मैंने लिखा था। ठीक है, आप देख लो ना यहाँ पे 5s के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, 4d पे, फिर 5p पे, फिर 6s के बाद 4f पे, फिर 5d पे। तो इतना आपको याद होना चाहिए। मैंने इतना क्यों लिखा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, s में कितना होता है, 2, 2, 6, 2, 6, 2d में 10, 6, 2, 10, ठीक है। और फिर यहां पे फिर 6, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे बढ़ लो तो क्या हो जाएगा, 4f, क्योंकि f भी एक दिखा दें, 14। तो ये रहा आपका पूरा। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, मान लो किसी में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो जाएगा, 2 है तो 1s2 हो जाएगा, 3 है तो 1s2 2s1 हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, 5 के लिए 1s2 2s2 2p1, 6 के लिए p में भरता चला जाएगा, फिर जैसे ही p भर जाएगा तो फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, तो इस तरह से इसको भरना है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि 1 से लेकर 20 तक आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाएंगे, उसके लिए आपको ये वाला पार्ट याद होना चाहिए। तो ये इस वाले पार्ट को मैं अभी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, शुरू में आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना कि सामने में इस वाली ये टेबल है ना, ये जो सीक्वेंस हो इसको लिख लेना, और लिख के तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, प्रैक्टिस करना, कुछ दिनों बाद याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और पहला हमारा सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन, तो एक है तो 1s1 हो जाएगा, दूसरा क्या है, हीलियम, तो 1s2 हो जाएगा, तीसरा है लिथियम, Li, तो s भर गया, 1s भर गया, तो कौन आएगा, 1s2 2s1, और चौथे पे क्या, हीलियम, सॉरी चौथे पे हमारा बेरिलियम है, तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा, 4 है, तो 1s2 2s2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पांचवे पे क्या हो जाएगा, हमारा पांचवा है बोरॉन, तो बोरॉन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, s2s2 भर गया, इसके बाद कौन सा है, p, तो क्या हो जाएगा, 2p1। ठीक है, 6 पे हमारा कार्बन है, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 7 पे क्या है हमारा, नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। 8 भी क्या है, ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इस तरह चलेगा, ये बहुत सिंपल है, बट कुछ एक्सेप्शन आएगा जहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो वो मैं बताऊंगा। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, उसको मैं छोड़ रहा हूं ताकि उसको देखकर आप मेरे साथ साथ लिखना सीखो। ठीक है, मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, हम साथ साथ सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कितने तक लिखा था, 8 तक लिख दिया था, अब 9 की बात है, तो 9 पे क्या है, फ्लोरीन, तो 9 है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ, तो कितना हो गया, 4 और 6 10, तो 2p5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 10 वाला हमारा क्या है, 10 पे है नियॉन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसके बाद हमारा 11 पे क्या है, सोडियम, तो 11 का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, और 2p6 के बाद क्या आ रहा, 3s1। तो आप एक चीज देख रहे हो कि इतना अब रिपीट होगा बार बार, तो इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे गोल घेर के एनी लिख सकता हूं, अब पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एनी 3s1 लिख देता हूं, तो एक ही बात हो गई ना दोनों। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिखते हैं, कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो तो मान के चलना है, मतलब ये 10 है और प्लस 1 11, यानी सोडियम की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से समझना है इस चीज को। ठीक है, अब दूसरा 12 नंबर पे क्या है, 12 नंबर पे है हमारा Mg। ठीक है, 12 पे हमारा Mg है, तो Mg का क्या हो जाएगा, Ne, तो ऐसे ही रह जाएगा Ne और 3s2। ठीक है, 3s2 हो जाएगा, और उसके बाद 13 पे क्या होता है हमारा Al, तो Al में क्या हो जाएगा, Ne, तो ऐसे ही रहेगा ना, और 3s2 के बाद क्या आएगा,
3s2 के बाad देखो क्या आ रहा है 3p6, तो 3p हमारा 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा 13 तक, इसके बाद का मैं लिख के बताता हूं, ठीक है। और अब इसी तरह से हम लिखेंगे, इसके बाद का एकदम सिंपल है, फिर कुछ मैं एक्सेप्शन डिस्कस करूंगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसके लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, उसकी बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे रिएक्शन में खूब यूज करेंगे, ठीक है। वैलेंसी वगैरह की थोड़ी बात कर लेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म होगा, फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक टेबल में फिर से चीजें आएंगी, फिर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे, एवरीथिंग देखेंगे। तो वेट करते रहिए, लेक्चर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, हमने कितने तक बात कर लिया है, हमने 13 तक बात कर लिया है, अब 14 पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो 14 पे हमारा क्या है होता है SI, ठीक है। तो SI का क्या हो जाएगा, एनी यानी कि 10, 10 मतलब कहां तक, यहां तक, ठीक है। 3s2 दो 12 और कहीं के चाहिएगा 14, तो यहां से दो ले लो 3p2, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइम पास करने कोई मतलब नहीं बनता है, जहां एक्सेप्शन आएगी वहां बात कर लेते हैं, ठीक है। आप चलो मैं किसका दिखा दूं, चलो आपको 20 का दिखा देता हूं। 20 का क्या होगा, कैल्शियम का 20 का, ठीक है। तो 20 के लिए ये पूरा एन ई रिपीट मारेगा, कितना हो गया 10, 3s2 दो 12 और 3p6 कितना हो गया 10 दो 12 और 12 6 18। P6 के बाद क्या आता है 4s2, तो 4s2 हो गया ना, क्लियर। अब इसी के बाद 21 वाले का क्या हो जाएगा, 21 वाले का क्या होगा Ne, ठीक है, 3s2 3p6 4s2 और 4s2 के बाद क्या था 3d10, तो 3d1 हो जाएगा, यानी यहां से d आ गया, यहां से d ऑर्बिटल की शुरुआत हो गई, यहां से d में इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। अब जैसे ही d की बात आई तो अब कुछ गड़बड़ होने लगेगा, जहां भी आपको d देखना है ना थोड़ा सावधान हो जाना है, ठीक है, क्योंकि d में थोड़ी गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ क्या होती है मैं गड़बड़ करके दिखाता हूं, फिर बताऊंगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद 21 वाले के लिए, 21 हमारा कौन सा होता है SC होता है, फिर TI के लिए क्या हो जाएगा 22 के लिए, सिंपली सब ऐसा ही रहेगा, यहां 3d2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंसली ऐसे ही चलेगा, फिर 24 के लिए, 23 के लिए भी ऐसे होगा। फिर हम बात करते हैं 24 की, ठीक है, हम 24 की बात करते हैं, जो होता है क्रोमियम, CR की बात करते हैं, ठीक है। यहां से आ गया एक्सेप्शन, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सीआर के, मैंने छोड़ा है इसलिए मैं थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, क्योंकि आप देखते रहो उसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24, तो इसको कैसे लिखेंगे, 24 है हमारा, तो CA मतलब 20 हो गया, ठीक है। अब 20 कहां तक हो गया, देखो 20 4 6 10 दो 12 12 6 18 दो 20 यहां तक हो गया, यानी डी से बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3d4। आप ये लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 20 प्लस 4 बराबर 24, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, जो कि है गलत। अब कैसे गलत है ये आपको हम बताते हैं, ये कैसे गलत है आपको हम बताते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो आपने भर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके पहले इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो क्या है, ये Cr24 वाला क्या है मेरा, हटो, Cr24 वाला क्या है मेरा, Ca को मैं थोड़ा सा और मतलब कैसे लिख दूं, ठीक है, 4s2 यानी कि, हाँ, Ca का मतलब थोड़ा सा मुझे और पीछे जाके लिखना पड़ेगा, मुझे 4s2 चाहिए, तो उसके लिए मैं Ne के टर्म्स में लिख लूं इसको, Ne यानी 10 हो गया, 10 कहां तक है, 10 यहां तक है, और फिर 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d10, यही है 3d4, ये है ना हमारा, ये है हमारा CR का, 10 दो 12 6 18 18 दो 20 4 24, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, यहां पे 3d4 है, यानी d ऑर्बिटल में, d सबसेल में 4 डब्बे भरे हैं, एक खाली है, और एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी अगर सबसेल
या तो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और इसमें डाल दूं तो ये पूरा आधा भर जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड। ठीक है, तो यहां पे ये होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डालने से क्या हो रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए यहां पे एक्सेप्शन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम कहां से डालेंगे, ये देखो 4s2 से, ये एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से डालेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4s1 और 3d5 हो जाएगा। तो ये होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। समझ में आया ना बात समझ में आई। 24 तक यहां था, लेकिन ये अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो हाफ फील्ड हो जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसने एस ऑर्बिटल से ले लिया, एस सबसेल से ले लिया और लेके अपने आप को हाफ फील्ड कर लिया। तो सीआर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप स्टार लगा लें और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, फिर Ne और 3s2 3p6 और 3p6 और उसके बाद 4s1 3d5। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। इसमें क्या है, लास्ट वाला लिख रहा हूं, इसका लास्ट वाला हमारा है 4s1 और 3d5, ये है हमारा 3d5, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो ये इसका होता है, ये गलत है यहां पे, इसको मैं सही करूं तो क्या लिख दूंगा, इसको सही करके, इसी को सही करके क्या लिख दूंगा, इसी को सही करके लिख सकता हूं मैं यहां पे 4s1 और 3d5, ये इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसके पहले का तो एज इट इज रहेगा, इसके पहले 3p क्या जाएगा, 3p6 आ जाएगा, बाकी इधर सब चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब थोड़े से एक्सेप्शन और आएंगे, चलो उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही तो इम्पॉर्टेंट है ना, आपको सीधा सीधा जो सीधी सीधी बात है वो तो आपको समझ में आती ही है ना, ये थोड़ा जहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़े से नए कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो सीआर का मैं यहाँ पे एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ, 24 होता है, इसका क्या हो जाता है Ne यानी कि 10, और 10 में हमारा कहाँ तक जाता है देख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p6 और उसके बाद हो जाएगा 4s1 और 3d5, ये हो जाएगा हमारा हाफ फील्ड। तो आप ये पॉइंट लिख लें कि हाफ फील्ड अगर कोई भी ऑर्बिटल हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब कोई एक्सेप्शन नहीं आता, एक्सेप्शन आता है डायरेक्ट Cu तक। अगर मैं Cu की बात करूं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 29 होता है, तो यहां क्या बनेगा Ca, ठीक है, मतलब 20। ठीक है, तो 20 और 3d9, तो ये हो रहा है 29 टोटल। अब d के डब्बे को भरो, एक्सेप्शन चेक करने का तरीका है कि जो लास्ट में d आ रहा है उसके डब्बे को भरो, 1 2 3 4 5 डब्बा भरना है, 1 2 3, पहले ऊपर ऊपर सब भरते हैं, ऐसा नहीं होगा कि पहले, देखो भरने का तरीका पता है ना, पहले ये सब में एक एक डाल देते हैं, हाफ फील्ड हो गया, फिर इनकी पेयरिंग होती है, पेयरिंग हो रही है, रुक गया क्योंकि यहाँ पे 29 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले इसमें दो, मतलब पेयरिंग में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि ये तीन है तो पहले दो इसमें भर गया और फिर तीसरा इसमें गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ये पेयरिंग का तरीका मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसकी पेयरिंग कर दूँ तो पूरे सारे डब्बे भर जाएंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फुल फील्ड, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वेरी 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 स्टेबल, या सिंपली बोलो ना स्टेबल होता है। ठीक है, ये स्टेबल होता है, तो चूंकि ये स्टेबल हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन हम कहीं से लाके इसमें डाल देंगे यहाँ पे, फिर हमें एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा ताकि इसकी पेयरिंग हो सके, क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसकी पेयरिंग कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं और से लाके
डालना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊंगा मैं, इसके पहले कौन है, एस है, जो दो 4s2 है, तो 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं इसमें डाल दूंगा, तो इसका जो लास्ट का स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर से 4s1 और 3d10 का बन जाएगा, 3d10 का बन जाएगा, ठीक है, 3d10। तो ये था एक एक्सेप्शन हमारा, ठीक है, यहाँ फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो CU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से CU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनल जो हमारा क्या हो गया, Ne3s2 3p6 4s1 और 3d10, ठीक है। तो ये थे दो एक्सेप्शन हमारे 30 तक, बाकी एक्सेप्शन मैं जब डी ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा, अभी के लिए मतलब इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। इतना अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आता है तो आप कहीं भी नहीं फंसोगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 30 Zn का जो 30 होता है इसका क्या हो जाएगा, Ne यानी कि 10, और उसके बाद हमारा हो जाएगा 10 हो गया पी तक, 3s2 3p6 और 4s2 यानी क्या हो गया हमारा 20, और 3d10 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं Ca और 3d10, ठीक है। इसके बाद अगर हमें 31 का लिखना होगा तो क्या होगा, Zn लिख दो ना, और Zn के बाद कौन सा है, 4p1। तो ये था 31 32, आगे लिखते जाओ, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।